वीडियो देखने आए हो, बढ़िया। हमारे साथ मोदी जी भी देख रहे हैं। देखो, वीडियो देखने आए हो तो साफ पता चलता है कि आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीसी, और बाकी कैडेटों की तरह आप भी राइफल गार्ड, आरडीसी और वाईपी करके आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लगता है जैसे कुछ भूल रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे राइफल टैंक चलाने के लिए तो बोला ही नहीं, और पैरा जंपिंग के लिए भी। चलो, इस टॉपिक पे हमने बोल दिया, थैंक यू बताने के लिए। चलो तो इन सभी के मजे लूटने के लिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो जय हिंद ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस सीरीज में एनसीसी के फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या होता है, जैसे रनिंग कितनी होती है, पुशअप पुलअप कितना होता है, स्कूल के लिए कितनी होती है, और कॉलेज वालों के लिए फिजिकल में क्या क्या होता है, क्या लड़कियों को भी फिजिकल देना होता है क्या। तो आज हम इस सीरीज में इन्हीं टॉपिकों पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपने हमारे मतलब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो हैं? आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये वीडियो का पार्ट वन था, और जो आप अभी देख रहे हैं वो पार्ट। कितनी बड़ी बात बताई। चलो अब जान लो, किसी भी कॉलेज या स्कूल में फिजिकल टेस्ट कब दिया जाता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कब दिया जाता है। देखो, अगर आपके कॉलेज स्कूल में 75 वैकेंसी है और कैडेटों की संख्या जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी 100 है, या फिर 200 भी हो सकती है। जब सीट कम और बच्चे ज़्यादा होते हैं तो तभी फिजिकल टेस्ट या फिर एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे मानो जब रनिंग करवाई जाती है, यानी दौड़ करवाया जाता है, तो इतने मीटर का मतलब होता है, तो उसमें बच्चे छट जाते हैं, एग्ज़ाम में बच्चे छट जाते हैं, हाइट में बच्चे छट जाते हैं। तो इसी कारणों से अच्छे कैडेटों को सेलेक्ट किया जाता है, जो सही नहीं होते उनको वापस भेज दिया जाता है, कहते हैं कि अगले साल मेहनत करके आना, फिर अगले साल उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखो, अब किसी भी डिफेंस को ज्वाइन करने के लिए भी फिजिकल या एक्टिविटी मतलब एग्ज़ाम ये सब लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ताकि अच्छे कैंडिडेट उसमें सिलेक्ट हो सके। अब जैसे इंडियन आर्मी में है, इंडियन आर्मी में कितना नाम होता है आप जानते ही होंगे, उसी तरह एनसीसी का भी कितना नाम होता है, क्योंकि अच्छे कैडेट सिलेक्ट होते हैं। कितनी बड़ी बात बताई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इसीलिए फिजिकल एग्जाम ये सब लिया जाता है। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना। तो सबसे पहले हाइट से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इन लड़कियां हैं, ये इन सबकी हाइट नापी जा रही है। कुछ इसी प्रकार से आपकी भी हाइट ऐसी ही नापी जाएगी, और जिनकी जो हाइट होती कम है तो उनको हटा दिया जाता है। देख सकते हैं आप, इनकी हाइट कम थी, उनको हटा दिया गया है। लड़कियों की हाइट तो वैसे छूट होता है, लेकिन इनकी हाइट इसलिए मापी जा रही है क्योंकि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, और जो इनकी जो वैकेंसी है एनसीसी की उनकी कम है। आप देख सकते हैं, इनको हटा दिया, उनकी हाइट छोटी है, और इनको भी शायद हटा दिया जाएगा। नहीं, इनकी हाइट कम है इनसे हटा दिया। और जब आप जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसे ही होगा, आपको ऐसे बैठा दिया जाएगा, जो एनसीसी लायक के हैं उनको ले लिया जाएगा और बाकी को भेज दिया जाएगा। अब उनके बाद इनकी होगी वैसे रनिंग। वैसे लड़कियों की हाइट कम से कम छूट है, वैसे मतलब ज़्यादा वैकेंसी होती है इसलिए होता है। आप देखिए, अब सबकी रनिंग होने वाली है। वैसे रनिंग का कोई टाइम नहीं होता, वैसे 1600 मीटर रनिंग का होता है, या फिर 400 से 1600 के बीच में रनिंग होता है। लड़कियों की भी रनिंग हो रही है, और लड़कों का भी कुछ इसी तरीके से होता है। अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है तो उनका भी ऐसे ही रनिंग लिया जाता है, और ऐसी हाइट में छाटा जाता है। वैसे अगर आप कॉलेज से हैं तो आपकी जो रनिंग है वो 400 से 1600 मीटर के बीच में हो सकता है। और टाइमिंग का तो बात करते हो, टाइमिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है टाइम का। आप जितने देर में आए, या फिर आगे आए, या फिर पीछे आए, अगर पीछे आते हैं तो आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। 20 लोग बच्चों को एक साथ दौड़ा दिया जाता है, जिसमें से अगर आप टॉप 10 में आते हैं या टॉप 5 में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये पूरा जो है, ये ग्राउंड पूरा 400 मीटर का है। दौड़ो, बढ़ाओ,
आप देख सकते हैं सबको थोड़ा चलो बढ़ा गए बढ़ाओ और तेज वैकेंसी कम होती है इसलिए ऐसा होता है बढ़ा चल रहा है दौड़ अगर वैकेंसी ज्यादा हो और बच्चे की संख्या कम हो तो डायरेक्ट एंट्री ले लिया जाता है बढ़िया तो मंदर हो बढ़ाओ तेज बढ़ाओ लास्ट टाइम पहुंचना है दौड़ के वहीं तक तब लड़कों का ही होता है बढ़ाओ दौड़ के बढ़ाओ 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 रुकना नहीं चल और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो यार आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ आप तो लाइक तो कर दिया करो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अंदर आप देख सकते हैं ये पहले आए हैं तो इनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा आराम से लंबी सांस लो लड़कियों की एनसीसी अलग होती है और लड़कों की एनसीसी अलग होती है कहाँ जा रहे हो भैया बैठो रनिंग करके लड़के आए हैं अबे भैया बैठो ठीक है खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ रनिंग करने के बाद बैठना नहीं चाहिए आप ध्यान रखना कि आप बैठे ना रिलैक्स हो जाएगा खड़े ही रहो या फिर चल लो बैठना नहीं है ये अब बॉयज़ का देखते हैं कि बॉयज़ का क्या क्या होता है तो सबसे पहले आपका हाइट नापा जाएगा फिर आपको हाथ नापा देखा जाएगा कि आपका हाथ टेढ़ा तो नहीं है अगर आपका टेढ़ा है तो हटा दिया जाएगा फिर आपको रनिंग करने के लिए बुलाया जाएगा रनिंग करने के लिए यानी मैंने आपको बताया है कि 400 से 1600 के मीटर के बीच आपकी रनिंग करवाई जा सकती है इसमें 800 मीटर रनिंग करवाई जा रही है आप देख सकते हैं और लड़कों की जो रनिंग है वो देख सकते हैं कि कितनी धाकड़ है आप भी वैसे अगर आप 20 लड़कों को एक साथ दौड़ा दिया जाता है अगर आप टॉप 10 में या टॉप 5 में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा मैंने आपको बताया है कि रनिंग कब करवाया जाता है जब यह मतलब फिजिकल कब लिया जाता है जब वैकेंसी कम होती है और जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है तभी आपका फिजिकल करवाया जाता है और आप यार वीडियो लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो लाइक करने में कंजूसी मत करना भाई कर देना ये तो हो गई कि रनिंग कितनी होती है और कैसे होती है मैंने आपको फुल वीडियो दिखा दिया अब उसके बाद क्या करना है आपको करना है सेटअप देखिए जो एनसीसी कैडेट है ये सीनियर है ये आपको डेमो दे रहे हैं आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है आपको ये देख सकते हैं अब आपको ये 10 से 15 करवाया जाएगा और आप मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे से करना बिल्कुल अच्छे से करना क्योंकि आप ज्वाइन करना चाहते हैं एनसीसी तो आपको करना पड़ेगा कॉम्पटिशन भाई बहुत है तो आप किसी से कम नहीं होने चाहिए भाई आपको करना है तो अच्छे से करना अब आपको करना है पुशअप तो सबसे पहले जो आर्मी ऑफिसर है वो आपको डेमो देंगे देख सकते हैं आप डेमो दे रहे हैं आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है अप पे अप रहना है डाउन पे डाउन रखना है अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हो तो आपको हटा दिया जाएगा मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई वीडियो को लाइक कर देना यार जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है कर दो यार आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ मैं अगर आप गलत तरीके से करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर आपने नहीं किया है तो कर देना और हमारे साथ जुड़ जाओ चैनल सब्सक्राइब करके मैं 100% गारंटी दिलाता हूँ कि अगर आप हमारी डेली वीडियो देखते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं एनसीसी अब आपको करना होगा पुलअप आपको करना होगा पुलअप 10 से 15 करवाया जाएगा आपको और आपको मतलब बोला जाएगा करने के लिए अप पे अप करना है डाउन पे डाउन रहना है अगर आप एडवांस करते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा नौ जो कहेंगे ऑफिसर उन्हीं की कार्रवाई पे आपको करना है ठीक है तो भाई ये हो गई फिजिकल की बातें कि फिजिकल में क्या क्या होता है मैंने आपको सारा बता दिया आप जो आप सिलेक्शन जो लास्ट जो सिलेक्शन होगा आपको
वो एग्ज़ाम के बेस पे होगा। अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाता है तो आपको सिलेक्शन ले लिया जाता है। और आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइव क्लासेस स्टार्ट होने के लिए, मतलब लाइव क्लास स्टार्ट होगा। और हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियो यानी पुरानी वीडियो है वो सारी वीडियो को जाकर वॉच करो, देखो क्या है, स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।